करनाल में श्रद्धानंद अनाथालय ट्रस्ट करणताल के प्रणांग में स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। बलिदान दिवस का शुभारंभ हवन यज्ञ के साथ किया गया, जिसमें सभी आगंतुक महानुभव व बच्चों ने यज्ञ में आहुति डाली। इस दौरान श्रद्धानंद अनाथालय के बच्चों ने मधुर भजन प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर नोएडा से गुरुकुल प्राचार्य डॉक्टर जैनेन्द्र एवं मुख्य अतिथि बाल कल्याण समिति के चेयरपर्सन उमेश चान्ना, आर्य समाज के अध्यक्ष शांति प्रकाश आर्य ने मुख्य रूप से शिरकत की। संस्थान के प्रधान बलदेव राज ने श्रद्धानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सभी को उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वामी ने अपने जीवन में समाज के उत्थान के लिए अनेक गुरुकुलों व आर्य संस्थाओं की स्थापना की, जिससे आज डेरा का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित होकर देश की संस्कृति को विश्व में प्रचारित कर रहा है। इस मौके पर संस्था के महाप्रबंधक गोपीनाथ आर्य, करणवीर आर्य, महेश आर्य, सत्येंद्र मोहन सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। प्रांगण में अमर उत्तमा स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें डॉक्टर आचार्य जितेंद्र जी गुरुकुल नोएडा से मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और श्री उमेश चान्ना जी जो CWC के चेयरमैन है, उन्होंने भी पहुंचने वाले हैं। उसके बाद शांति प्रकाश आर्य जी और प्रधान आर्य समाज मंदिर सेक्टर 13 से, और इसके अलावा श्री सत्येंद्र मोहन जी और अन्य आर्य समाज जितने भी हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट से हैं, उनके सभी प्रधान पहुंचे हुए हैं और ये कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और स्वामी जी के जन्मदिन के बलिदान दिवस के ऊपर पूरा प्रकाश बच्चों ने डाला है और उनकी गाथा है वो गाई गई है, क्योंकि स्वामी जी एक बहुत ही JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।